केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं रानी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। झारखंड में कुल 4 चरणों में मतदान होने वाले हैं और हमारी टीम भी आप तक सारी खबर पहुंचाने में जुट गई है। हमारी टीम आज पहुंची हुई थी बसंत राय, जहां से भावी जिला परिषद प्रत्याशी राधे कृष्ण जी से हमारी बातचीत हुई। वो कितने तैयार हैं अपने इस चुनाव को लेकर के, कितना काम उन्होंने अभी तक कर लिया है और कितनी तैयारियां बची हुई हैं, ऐसे तमाम सवाल हमने उनसे किए हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और आचार संहिता लग चुका है, प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव प्रचार में लग गए हैं। इसी तरह में मेरी मुलाकात बसंतराय प्रखंड के बसंतराय उत्तरी क्षेत्र से भावी जिला परिषद के प्रत्याशी राधे कृष्ण साहु जी से मुलाकात हुई है। उन्हीं से जानते हैं कि वो अपने सातों आठों पंचायत के लिए क्या सपने लेके आए हैं इस बार। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है गरीब का उद्धार करना। हम लोग बनिया समाज से आते हैं और हम लोग चाहते हैं हम लोग कि गरीब का विकास हो जी। अगला जो मना हुआ वो तो कुछ विकास नहीं कर सका, हम लोग चाहते हैं कि कुछ विकास करें जी। कहने का मतलब ये है पंचायत का विकास, जनता की सेवा ही आपका मूलभूत जी। आपके जो 7-8 पंचायत आपके अंतर्गत आते हैं सर जी, इसमें समस्या क्या क्या हुई? बहुत समस्या है, कोई गांव में रोड नहीं है जी, कहीं चापाकल नहीं है जी, बहुत लोग वृद्धा पेंशन के लिए घूम रहा है जी, दर दर ब्लॉक में ठोकर खा रहा है जी, उसका कोई देखने वाला नहीं है, नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कि अगर हमको जनता ने चाहा तो हम ये सब के लिए बहुत अच्छा से काम करूंगा, उसके लिए खरा उतरूंगा। ये में मतलब ये आपकी समस्या है जी, अगर पंचायत की जनता आपको अपना जिला पार्षद बनाती है जी, तो उनके लिए 10 ऐसे काम बताएं जो आपके द्वारा किया जाए। सबसे पहले तो मैं विधवा पेंशन सबका बनाऊंगा जितना भी मेरे क्षेत्र में आता है ठीक। उसके बाद विधवा पेंशन का मैं बनवाऊंगा जी, और जहां की रोड नहीं है जिस गांव में, उस गांव का रोड से जुड़ने का कोशिश करूंगा ठीक है। सबसे यहां धार्मिक बसंतराय का तालाब है जी, अभी इतना जलकुंभी हो गया है जो कि कोई जनप्रतिनिधि देखने वाला नहीं है। तालाब की सफाई करवाएंगे आप? तालाब की सफाई करवाएंगे और जितना भी हो सकेगा ऊपर से मना हम उसका कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ कम हो, सौंदर्यीकरण हो जी। सर, सवाल एक और है कि आपके 7-8 पंचायत में जब हमारी टीम घूम रही थी तो कहीं कहीं पता चला कि वहाँ पे बालिकाओं के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है, तो इस व्यवस्था को आप कैसे देखेंगे? विद्यालय नहीं है तो हम लोग मना ऊपर से बात करेंगे अगर हमको मौका मिला जी। जैसे मेरा संसद साहब है दुबे जी, जी मैं उनसे बात करूंगा, विधायक जी से भी बात करूंगा जी, कि यहाँ सुविधा का बहुत दिक्कत है जी बालिका के लिए जी, इसलिए कम से कम एक ठो बालिका का मन छात्रा का हाई स्कूल बढ़िया हो जी, जिसमें कि यहाँ का लोकल छात्रा बसंतराय प्रखंड में पढ़ सके बढ़िया से जी। अब हम बात करते हैं, शिक्षा तो हो गई, अब यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र की बात करेंगे। आपके बसंतराय में तो है उप स्वास्थ्य केंद्र जी, लेकिन आपके अंतर्गत जिला पार्षद के अंतर्गत जो जो पंचायत आता है जी, कहीं कहीं नहीं है, कहीं कहीं एकाध दिखा हमको, तो उस व्यवस्था को आप कैसे देखेंगे? स्वास्थ्य केंद्र यहाँ है लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है जी, नो इलाज बढ़िया से हो सकता है जी। अगर यहाँ बढ़िया स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, इधर सीओ साहब बोले थे कि स्वास्थ्य केंद्र आया है जी, हम लोग सब आदमी गए थे ताकि कम से कम बसंतराय में स्वास्थ्य केंद्र बने, यहाँ जितना डिलीवरी केस आता है हम लोगों का यहाँ से पथरगम हो जाता है। अगर यहाँ स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा तो बसंतराय प्रखंड का बसंतराय प्रखंड में ही होगा जी जी, ये तो बहुत जरूरी चीज है और हम इसके लिए जरूर कोशिश करेंगे। सर, अब हम बात करते हैं हम अपने युवा भाई के लिए जी। युवा भाई के लिए यहाँ पे झारखंड है और झारखंड में खेल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जी, पंचायत में खेलकूद का मैदान भी नहीं दिख रहा है, तो इस व्यवस्था को आप कैसे देखेंगे?
खेलकूद का मैदान तो ये बसंत राय में, सिर्फ बसंत राय प्रखंड में ही है जी, जहाँ की स्कूल चारों बगल है, चारों बगल वही एक मैदान है और तो मैदान नहीं है। उधर कुछ केवा के तरफ मैदान भाई भी तो बालू भरा हुआ है जी, वो समतल नहीं है जी। अगर हमको मिला मौका मिला तो हम उसके लिए भी काम करेंगे। उसके लिए आप काम करें जी। आपने बताया कि आप शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, बालिकाओं की शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देंगे जी। अब हम एक बात करते हैं सर, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पे कैसे काम होगा? महिला सुरक्षा सशक्तिकरण तो यहाँ जो बड़ा बाबू है जी जी, तो ये तो क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है, अभी तो इधर घटना भी हुई है बहुत। अभी ऐसा सरकार है यहाँ कि आप तो देखिए रहे हैं जी, क्या बोलेंगे हम इसके विषय में। तो अगर आप जिला पार्षद बन के आते हैं तो इस पे ध्यान देंगे? बहुत बढ़िया ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जनता को किसी भी तरह का तकलीफ नहीं हो। सर लास्ट सवाल आपसे जी, पंचायत की जनता से अपील क्या करना चाहेंगे या संदेश क्या देना चाहेंगे? पंचायत के जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं आपको मौका जरूर दूंगा जी। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, मैं यही कहूंगा कि अगर हमको मौका मिलता है तो मैं सबका भलाई करूंगा, जितना होगा उससे अधिक भलाई करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा कृष्ण शाह। आपका क्षेत्र संख्या क्या है? 12 बसंत राय उत्तरी, उत्तरी बसंत राय प्रखंड, जिला गोड्डा जी। फिलहाल बने रहें कि लालचंद टाइम्स के साथ, धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।